हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेहास क्रिस्पी फूड में। आज हम बनाने जा रहे हैं पम्पकिन की सब्जी। तो सबसे पहले इसे आप अच्छे से धोकर काट लीजिए छोटे छोटे पीसेस में। उसके बाद हम चढ़ाएंगे कढ़ाई को गर्म होने के लिए। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे सरसों यानी राई, और इसमें हम डालेंगे एक सूखा लाल मिर्च। जब सरसों चटक जाएगी तब हम इसमें डाल देंगे सब्जी को। तो हमारा सरसों जो है चटक चुका है, अब हम इसमें डालेंगे सब्जी को और इसे अच्छे से भुनेंगे। दोस्तों, हमारी सब्जी जो है भुन चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप अगर लहसुन और अदरक नहीं डालना चाहते हैं तो ये इसके बिना भी काफ़ी टेस्टी लगती है, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो हमने इसमें डाल दिया है एक चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, जैसे कि काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, और इसमें हल्दी पाउडर, और साथ ही थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो इन सभी मसालों का हमने ऐड कर दिया है और अब इसे हम धीमी आंच पर कुक करेंगे। अच्छे से मसालों को चला देते हैं। इसके बाद इसे आप ढक कर पकाते रहिए। अब 5 मिनट अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें हल्का सा पानी डालेंगे और इसे फिर से हम भूनेंगे। तो दोस्तों, ये जो सब्जी है ये काफ़ी जल्दी पक जाती है, तो इसमें ज़्यादा पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आप गीला खाना चाहते हैं तो इसमें पानी डाल सकते हैं, वरना इसे आप धीरे धीरे इसे ढक कर बनाएंगे तो ये काफ़ी टेस्टी लगती है। तो देखिए, हमारा सब्जी जो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, आप इसे खा सकते हैं। और अगर आपको सब्जी थोड़ी सी गीली पसंद है तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो अब सब्जी देख रहे हैं ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अब आप इसे रोटी, पूरी, चावल, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, काफ़ी ये यम्मी लगने वाला है। और इसमें आप अगर हल्का सा चीनी डालेंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन होता है उसे भी आप दबा लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ये हमारी सब्जी जो है बिल्कुल रेडी है। वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।